अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल प्रॉब्लम की सेटिंग्स के बारे में। आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल मशगूल हो और जब आप आंसर पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह मैसेज शो हो जाता है और आप कॉल मशगूल करने से कासर रहते हैं। इसी तरह अगर आप वीडियो कॉल डायल करते हैं तो माइक्रोफोन और कैमरा की एक्सेस के लिए वही मैसेज शो हो जाता है। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप वीडियो कॉल की प्रॉब्लम को हल करने के लिए वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्त सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। सबसे पहले फ्रेंड्स, फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर लें। अब यहां सेटिंग्स में ऐप्स या एप्लीकेशन मैनेजमेंट को ओपन कर लें। अब यहाँ से ऐप लिस्ट में आ जाएँ। यहाँ आप व्हाट्सएप वाली ऐप को पेज स्क्रोल करके सर्च कर लें। अब यहां से WhatsApp पर क्लिक करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं कुछ इस तरह WhatsApp की सेटिंग्स का पेज ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में WhatsApp की इन सेटिंग्स के लिए आप अगर होम स्क्रीन पर मौजूद WhatsApp को लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहां से ऐप इन्फो वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे तब भी आप WhatsApp की सेटिंग्स वाले पेज पर आ जाएंगे। अब यहां से आपने परमिशंस वाली ऑप्शन को क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहां आप देख सकते हैं कैमरा और माइक की परमिशंस नॉट अलाउड पर सेट हैं। आपने यहाँ कैमरा और माइक को अलाउड वाइल यूजिंग द ऐप पर सेट कर लेना है, यानी वीडियो कॉल के लिए कैमरा और माइक को एक्सेस के लिए परमिशंस दे देनी है। अब हम दूसरे फ़ोन के WhatsApp से कॉल करके चेक करते हैं। ले जी, जैसे ही हम कॉल अटेंड करेंगे तो अब कैमरा और माइक को एक्सेस मिल चुकी है और इस तरीका से आप WhatsApp वीडियो कॉल की प्रॉब्लम से बआसानी निजात हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।